हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गाजर का हलवा खाना हम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है और सर्दियों में नए गाजर के हलवा का बात ही अलग होता है। तो दोस्तों, आज हम गाजर के हलवा का सबसे अलग और टेस्टी सा रेसिपी लाए हैं कि अगर आप एक बार इस तरह से गाजर का हलवा बनाकर खाएंगे तो हमेशा ऐसे ही बनाकर खाना चाहेंगे। टाइम और मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगा, गाजर को बिना घिसे फटाफट 10 मिनट में हलवा को बना सकेंगे। तो चलिए ये टेस्टी और सबसे ईजी गाजर की हलवा रेसिपी को सीख लेते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने आधा किलो लाल फ्रेश गाजर लिया है। इसे अच्छी तरह से धोकर छीलकर कुकर में 2 सीटी लगा लिया है। इसे गाजर का हलवा बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और हमने लिया है 100 ग्राम चीनी, 2 से 3 इलायची, आधा कप ग्रेट किया हुआ नारियल। अगर नारियल ना हो तो कोई बात नहीं, बिना नारियल के भी यह हलवा बहुत टेस्टी लगेगी। थोड़ा सा काजू किशमिश, 3 चम्मच घी और दूध। दोस्तों, दूध को हमने उबाल कर काफ़ी गाढ़ा कर लिया है और इसी गाढ़ा दूध को हम हलवा में डालेंगे। इससे हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सबसे पहले हमें गाजर को छोटा छोटा कट करके मिक्सी जार में डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। गाजर का हमने स्मूथ पेस्ट बना लिया है, तो चलिए अब हलवा को बना लेते हैं। कढ़ाई को गर्म करके हमने घी डाल दिया है और अब काजू किशमिश को डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। काजू किशमिश भून चुके हैं, अब हम गाजर के पेस्ट को डाल देंगे। थोड़ा देर इसे चला लेंगे। फिर अब डाल देंगे चीनी और कुटी हुई इलायची को। इसे अब 1 मिनट तक चलाते हुए भुनेंगे। एक मिनट हो गया है, नारियल को भी डाल के चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों, सबसे लास्ट में दूध को ऐड करेंगे। कुछ देर तक अब हम हलवा को स्टर करेंगे। गाजर का हलवा का बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है और दोस्तों, इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। यह हलवा बन चुका है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा ना हलवा कितना जल्दी बना, और यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इसे बनाकर जरूर खाएं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। हम ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।